नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला खजराना थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू की है। आपको बता दें कि पूरा मामला इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र के शहनाई रेसिडेंसी का है। यहां रहने वाली नम्रता ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नम्रता का तलाक हो चुका था, साथ ही वो डिप्रेशन की बीमारी से परेशान थी, उसका उपचार चल रहा था। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक के पिता रिटायर्ड DSP हैं। वहीं मृतक के पास से किसी प्रकार का सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। खजराना पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सहनाई रेसिडेंसी जो कनाड़िया रोड पर है, जो थाना खजराना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, वहाँ पर एक महिला ने फांसी लगाने की सूचना मिली थी। तो जो महिला मृतिका है उसका नाम नम्रता है, उम्र 31 साल है और तलाकशुदा महिला है। बताया जा रहा है कि शायद डिप्रेशन में थी, लेकिन वस्तु स्थिति ज्ञात करने के लिए कल PM होगा। PM के बाद ही इसका उचित कारण बताया जा सकेगा। हाँ, डिप्रेशन का इलाज चल रहा था ऐसा उसके पिताजी द्वारा बताया गया है। बाकी वस्तु स्थिति हम कल बता पाएंगे। कोई सुसाइड नोट नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिवार ये आज दिनांक 5 जनवरी की है और घटना का समय 6 बजे के लगभग का बताया जा रहा है। परिजन घर पे थे? परिजन घर पे अभी उपस्थित मिले थे। उस समय घर पे कोई नहीं था जब बच्ची ने फांसी लगाई थी। क्या करते हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं करते वर्तमान में। मैम क्या नाम है नम्रता का, क्या करती है? नम्रता पिता अरविंद खरे नाम है, जो यहाँ सहनाई रेसिडेंसी में रहती थी और कुछ करती नहीं थी, अपने घर में मायके में ही रह रही थी। मैं शादी में हाँ शादी पहले शादी हो चुकी थी, तलाक हो चुका है उसका। मैम और कोई कारण सामने आया? नहीं, अभी कोई कारण सामने नहीं आया है। कल जब PM हो जाएगा, बाकी जो जांच की जाएगी उसमें आगे नहीं, संबंध में अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। आपका नाम है? निरीक्षक निधि मित्तल, थाना खजराना। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट TV पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।